दोस्तों आप भी अगर यूरोप में मूव करना चाहते हो, आप भी सोच रहे हो यूरोप कंट्री में जाओगे जॉब के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग में बहुत सारा जॉब वैकेंसी रिसेंटली ओपन हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोग सर्च करते हो तो देखते हो। ज्यादा से ज्यादा यूरोप का जो वैकेंसी आता है वो लग्जमबर्ग की आता है। लग्जमबर्ग में बहुत सारा जॉब वैकेंसी अभी ओपन हुआ है, इसलिए आपको वेट नहीं करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ एजेंसीज के बारे में जो आपको वीजा दे सकता है लग्जमबर्ग का। तो हाँ, ऐसी कुछ एजेंसी जो टॉप थ्री में आता है, जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, इसमें बहुत लोगों को वीजा ऑलरेडी दिया है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करें। लास्ट का जो एजेंसी है, इसमें पूरा लेबर कैटेगरी का जॉब है, जिसमें अगर आपके पास एडुकेशन एक्सपीरियंस उतना नहीं है तो भी ऐसी कुछ जॉब है जिसमें आप जा सकते हो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लग्जमबर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लग्जमबर्ग यूरोप के अंदर सबसे रिचेस्ट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि इसका जीडीपी है बहुत हाई है। इधर का इनकम जो है बहुत अच्छा होता है। अगर किसी भी आप पोजीशन में ज्वाइन कर रहे हो तो 4000 यूरो पर मंथ आपका सैलरी मिलने वाला है, और एक अच्छी खासी सैलरी आप इंडिया में भेज सकते हो, या आप किसी भी कंट्री से हो तो उधर आप पैसा अच्छे से भेज सकते हो। नेक्स्ट जो है इधर का ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, क्योंकि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो अगर आप एक उस कंट्री में किसी जगह पे घूमने जाओ या किसी जगह पे आपकी ज़रूरत के लिए जाओ तो फुल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फुल फ्री होता है, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप इजीली फ्री में किसी भी बस पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, ट्राम पकड़ लो, आप मूव कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी होता है, आप आपका फैमिली लेके भी लग्जमबर्ग मूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीन में जाके अभी देखते हैं कौन सी जॉब वैकेंसी रिसेंटली ओपन हुआ है और कौन सा ऐसी एजेंसी है जो आपको वीजा दे सकता है। दोस्तों सबसे पहले जो एजेंसी का नाम आता है वो है माइकल पेज। माइकल पेज एक ऐसी कंपनी है जो आपको वीजा दे सकता है, और इसमें थोड़ा हाई कैटेगरी का जॉब होता है जिसमें सैलरी बहुत हाई है, इस कैटेगरी का जॉब इधर होता है। लेकिन अगर आपके पास उतना हाई कैटेगरी का जॉब आपको नहीं चाहिए, आपको लेबर क्लास का जॉब चाहिए, टाइप डी वीजा चाहिए, तो भी आपको लास्ट में हम ऐसी एजेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको लेबर कैटेगरी का जॉब मिल सकता है, ठीक है। आप इस कैटेगरी का जॉब भी देख सकते हो माइकल पेज के अंदर अभी क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। ये भी एक ट्रस्टफुल एजेंसी है, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो जॉब फंक्शन, इसमें क्या क्या जॉब वैकेंसी और कौन सी सेक्टर में अवेलेबल है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस जॉब, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जॉब, ह्यूमन रिसोर्स जॉब, उसके साथ साथ इंश्योरेंस जॉब, लीगल टैक्स जॉब्स, मार्केटिंग जॉब, सेल्स जॉब। तो सेल्स में अगर बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, आपके पास सेल्स का मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप सेल्स के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो सेल्स में क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सेल्स में क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। देखो ये जो पेज आ गया, ये पेज में देख सकते हो इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो और भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ साथ जो है आपका लग्जमबर्ग के लिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। जो लैंग्वेज है लग्जमबर्गिश है, इसको आप चेंज आउट भी कर सकते हो लैंग्वेज में जाके, तो आप इधर चेकआउट कर सकते हो हेड ऑफ द टैक्स, तो ऐसी जॉब वैकेंसी इधर अवेलेबल है, ठीक है। आपको अगर इसमें एप्लीकेशन करना है तो व्यू जॉब्स पे क्लिक करना है। नॉर्मली व्यू जॉब्स पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स पूरा आ जाएगा, आप देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो कैसे क्या करना है। इधर अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हो, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या क्या जो लिखा हुआ है, आप इसको चेंज आउट कर सकते हो, आपका जो लैंग्वेज है इसको आपके हिसाब से चेंज करके इसको डिस्क्रिप्शन पे पढ़ के इसमें एप्लीकेशन अप्लाई पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये तो एक नंबर वन एजेंसी आ गया, इसमें माइकल पेज इसका नाम है, इसमें बहुत सारा जॉब वैकेंसी आपने ऑलरेडी देखे। नंबर टू में जो एजेंसी का नाम आता है उसका नाम है वो है रॉबर्ट हॉप का। रॉबर्ट हॉप भी एक अच्छी एजेंसी है जो रिक्रूट करते हैं लग्जमबर्ग के लिए। अगर आप लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हो रॉबर्ट हॉप में भी ट्राई कर सकते हो, इसमें भी आपका रिज्यूम कवर लेटर भेज सकते हो। देखो एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, रिज्यूम कवर लेटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लग्जमबर्ग में एप्लीकेशन कर रही है, यानी कि इन सब यूरोपियन कंट्री में एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका रिज्यूम एंड कवर लेटर प्रॉपर होना चाहिए, जो यूरोपा स्टाइल में होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूम एंड कवर लेटर के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका रिज्यूम कवर लेटर प्रॉपर वे से नहीं है तो सिलेक्शन चांस बहुत लो हो जाता है दोस्तों। तो रिज्यूम कवर लेटर प्रॉपर वे से रेडी करो, उसके बाद एप्लीकेशन करिए, तो सिलेक्शन चांस बनता है, ठीक है। रॉबर्ट हब भी एक अच्छी एजेंसी है, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। आप देख सकते हो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर, उसके साथ साथ अकाउंटिंग एक्सपर्ट, उसमें भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। उसके साथ साथ सीनियर फंड अकाउंटेंट रियल स्टेट, इसमें भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। अकाउंटेंट का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। नेक्स्ट है सीनियर फंड अकाउंटेंट में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। पैरेलल कॉर्पोरेट ऑफिसर, उसके साथ साथ
फाइनेंस मैनेजर, उसके साथ ऑफिसर, अकाउंटेंट, पेबल एंड ट्रेजरी, उसके भी जॉब वैकेंसी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें भी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप देखआउट देख सकते हो इसमें क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आपका सुइटेबल पोजीशन इधर अवेलेबल है तो आप नॉर्मली क्लिक करने के बाद आप जाके देख सकते हो, उसमें एप्लीकेशन कर सकते हो। थ्री पे जो एजेंसी आता है उसमें बहुत सारा लेबर कैटेगरी का जॉब अवेलेबल होता है, आप चाहते हो तो एप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसी की एजेंसी जिसका नाम है रैंसटर्ड, रैंसटर्ड भी एक अच्छी एजेंसी है जो लग्जमबर्ग के लिए आपका रिक्रूट करते हैं। अगर आपको रैंसटर्ड पे एप्लीकेशन करना है आप देख सकते हो, हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। नॉर्मली आपको देखना है क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, इसमें जॉब पूरा जॉब वैकेंसी रैंसटर्ड का आप देख सकते हो। ये लैंग्वेज है, आप चेंज आउट कर सकते हो। लैंग्वेज को चेंज करने के लिए थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इधर ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट पे इधर इंग्लिश कर लेना है, तो आपका लैंग्वेज जो हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो इसको चेंज करने के बाद आप पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा आपको, ठीक है। ये देख सकते हो क्या क्या जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। और भी जॉब वैकेंसी इधर शो मोर पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हो और भी जॉब वैकेंसी, लेजर ऑपरेटर, मेंटेनेंस मशीन ऑन कंस्ट्रक्शन मशीनरी, उसके साथ साथ इंडस्ट्री में ग्राउंड ऑपरेटर्स में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। और भी जॉब वैकेंसी आप देख सकते हो, जैसे वेल्डर का जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। सैलरी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं वेल्डर में, पर आवर आपका 9 यूरो आपका सैलरी हो रहा है वेल्डर। देखो वेल्डर का जॉब वैकेंसी अगर आप देखोगे, ठीक है। और भी देख सकते हो क्या क्या जॉब वैकेंसी, बॉडी वर्किंग पेंटर, उसके साथ साथ फोर्कलिफ्ट मैनेजर, फोर्कलिफ्ट मेंटेनेंस, उसके साथ साथ माइलिंग इंजीनियर, और भी जॉब वैकेंसी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रो मैकेनिक एंड ऑटोमोबाइल मैकेनिक रिसीवर। तो ऐसी जॉब वैकेंसी इधर अवेलेबल है, आप चाहो तो इसमें भी ट्राई आउट कर सकते हो। नॉर्मली एप्लीकेशन करना बहुत ईजी है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे वेल्डर का ही मैं आपका बोलूँ तो वेल्डर पर आपको एप्लीकेशन करना है तो वेल्डर पर क्लिक करना है, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा, पढ़ के आप देख सकते हो सैलरी वगैरह कितना देता है, कितना टिकट वगैरह है कि नहीं, आपका खाना वगैरह प्रोवाइड करते कि नहीं, तो आपको इधर लिखा होता है थोड़ा पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो, इधर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे इंटरफेस आपके पास आ रहा है। तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा लिखा आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, आपका रीटाइप पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, आप फीमेल हो या मेल हो, उसका नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी क्या है, अगर आप इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से देख रहे हो तो नॉन यूरोपियन करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंट, कहाँ से हो, प्लेस कहाँ से बिलोंग करते हो, पोस्टल कोड क्या है आपका, स्ट्रीट एड्रेस, हाउस एड्रेस, फोन नंबर, कब से अवेलेबल हो, अनअवेलेबल या अवेलेबल पर क्लिक कर देना है। इसमें अवेलेबल फॉर्म, कब से आप अवेलेबल हो, आज से ही अवेलेबल कर दो जब से आप एप्लीकेशन कर रहे हो। एजुकेशन जो सिस्टम है आपका, एडुकेशन क्या है आप देख सकते हो, आपका एडुकेशन के हिसाब से आप इधर डाल सकते हो। जॉब प्रेफरेंस, आप कौन सी सेक्टर में एप्लीकेशन कर रहे हो वो भी इधर मेंशन करना है, ठीक है। लैंग्वेज क्या क्या आपको आता है पूरा इधर लिखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सीवी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है भाई, रिज्यूम कवर लेटर रेडी करो। यूरोप में एप्लीकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिज्यूम कवर लेटर, तो आप रेडी करके इसमें रिज्यूम कवर लेटर डालो। उसके बाद इधर क्या करना है, नॉर्मली आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब पे क्लिक कर देना है, तो आपका जॉब एप्लीकेशन चला गया। ये जो एक रेजेंसी है, अगर आपका सीवी आपके जैसे, तो बहुत लोग एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपका सीवी उन लोगों को पसंद आता है तो वो लोग आपको बाय मेल कांटेक्ट करते हैं। किसी भी फ्रॉड की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एजेंसी है बहुत अच्छी एजेंसी है जी, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रस्ट आउट कर सकते हो। ट्रस्ट में इधर, तो इधर तो ट्रस्ट बनता है, आपको ट्रस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें मतलब इतना इधर उधर नहीं होता है, आपका रिक्रूटमेंट भी फेयर होता है, तो जल्दी से आप लग्जमबर्ग मूव कर सकते हो। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है दोस्तों, प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए जो लोग लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।